हेलो, सभी को नमस्कार। बेटा, जैसा कि हम जानते हैं, ये लेसन फर्स्ट हमने कर लिया था और छुट्टियों से पहले। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, समरी कर लेते हैं, ताकि हमारे को ये ध्यान रहे कि मतलब चैप्टर में क्या क्या हुआ है। इसकी समरी कर लेते हैं पहले, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला पॉइंट है, अ कंप्यूटर कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डेटा। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा जो भी हम उसको देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट कराते हैं, उसको स्टोर करता है, प्रोसेसिंग करता है और उसको रिट्राइव करता है, यानी कि हमें वापस हमारे एज अ रिजल्ट आउटपुट हमारे को देता है। एंड इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा, और जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो डेटा को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द यूजर, यूजर से, एंड प्रोसेस दिस डेटा इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, और एक ऐसी फॉर्मेशन में लेके आते हैं उसको जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। बेटा, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंप्यूटर जो है हमारी भाषा को नहीं समझ पाता है, वो एक कोडेड भाषा को समझता है जिसको मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, और मशीनी लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो जीरो और वन में काम करती है। ठीक है, तो जीरो और वन पे वो काम करती है। तो कीबोर्ड या माउस जो होता है उससे डेटा एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके आगे इसको ट्रांसफर कर देता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अ जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। एक जॉयस्टिक जो होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, दैट इज यूज टू प्ले गेम्स, जो कि गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। देर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ स्कैनर। अभी स्कैनर में बताया था क्या काम आता है, स्कैनर आता है फोटो वगैरह स्कैन करने के, या कोई टेक्स्ट स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में लाने के लिए। तीन तरह के स्कैनर होते हैं, बेसिक टाइप्स। पहला है फ्लैट बेड, सेकंड है शीट फिट, और थर्ड है हैंड हेल्ड। फ्लैट बेड यानी कि जैसे कि हम नॉर्मली प्रिंटर्स पे देखते हैं, स्कैनर जो यूज होता है वो फ्लैट बेड होते हैं। सेकंड होता है शीट फिट, यानी कि जिसके अंदर हम शीट डालते हैं, वो एक साइड से अंदर डालते हैं, दूसरी साइड से वो बाहर निकल के आ जाती है और कंप्यूटर में वो स्कैन हो जाता है। तीसरा जो होता है हैंड हेल्ड, ये ऐसा स्कैनर होता है जिसको मतलब एक जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है, हम उसको वायर से कनेक्ट कर होता है उसी तरीके से। तो जो भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ हमें स्कैन करनी होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी सहायता से स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आर टुगेदर नॉन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जो सीयू और एएलयू होता है, ये दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, टुगेदर नॉन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू के रूप में ही काम करते हैं। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका रैम एंड रोम आर प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम जो है प्राइमरी मेमोरी होती है जिसपे कंप्यूटर रनिंग टाइम में काम करता है। वेयर एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आर सेकेंडरी मेमोरीज। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं और रैम और रोम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज यूनिट होस्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज द आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग। तो स्टोरेज यूनिट क्या करते हैं, डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखते हैं, साथ साथ में जो आउटपुट है, जो प्रोसेसिंग होकर के आउटपुट आया है उसको भी स्टोर करके रखते हैं। देर आर द सम अदर आउटपुट डिवाइसेज। यहाँ पर क्या है, कुछ और आउटपुट डिवाइसेज होते हैं जो क्या क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एक्सेट्रा, ये क्या हमारे सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। अभी हमने समरी कर ली है, चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, अब इसके ब्याप पर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला ऑप्शन आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, विच डिवाइस इज मेनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन द मॉनिटर। अभी मैंने बताया था कि कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो पहला पॉइंट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन नहीं होता, टच स्क्रीन काम आता है आपका कुछ भी डेटा फीड करने के लिए। और नेक्स्ट है आपका लाइट पेन, ये भी एक पेन की तरह होता है जिससे हम कंप्यूटर में टाइपिंग या लिखने का काम हम करते हैं। ट्रैक बॉल होता है आपका, एक माउस ही होता है ये भी एक प्रकार का, बट इस माउस के ऊपर क्या होता है, ऊपर एक गेंद होती है, छोटी सी बॉल होती है इसके ऊपर, जो कि माउस में बटनों का काम करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक आपका क्या होता है, गेम खेलने के लिए काम आता है, यूज किया जाता है, अभी हमने बताया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं जो डेटा फीडिंग का काम करते हैं। तो मॉनिटर क्या काम करता है भाई, आउटपुट का काम करता है, जिसके अंदर में डिस्प्ले दिखाई देता है। स्पीकर जिसमें हम सॉन्ग सुनते हैं, ये भी हमारा आउटपुट का डिवाइस है। प्लॉटर जिसमें हम प्रिंट करते हैं, यानी कि जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं जो प्रिंट करते हैं, वो प्लॉटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है जिसके अंदर हम पिक्चर वगैरह को स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। थर्ड क्वेश्चन आता है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, यानी वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम डेटा काम करते हुए कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में कंप्यूटर काम कर रहा है और जैसे ही लाइट चली जाती है वो डेटा को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसको वो इरेज कर देता है। तो रोम हमारी होती है रेड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है इसलिए ये नहीं होगा। हार्ड डिस्क होती है एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है एक बार स्टोर होने के बाद, बट इसमें हम एडिट कर सकते हैं, इस रोम के अंदर हम एडिट नहीं कर सकते इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका कहता है रैम, तो रैम होता है आपका रेंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर डेटा स्टोर तो होता है बट टेम्परेरी बेस पे स्टोर होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में आपके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि आदि इसके अंदर आते हैं। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा इसका आंसर। विच वन इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, तो हमने अभी जिक्र किया था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, ऐसे जिन पोर्टेबल स्टोरेज होते हैं जिनको हम कंप्यूटर से हटा करके साइड में भी रख सकते हैं, उनके एब्सेंस में हमारा कंप्यूटर चल जाएगा, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है डीवीडी, तो डीवीडी होता है डिजिटल वेरिस्टाइल डिस्क होती है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर लेते हैं और परमानेंटली इसके अंदर स्टोर हो जाता है। और उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस ही काम करती है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी हमारा परमानेंटली स्टोर करता है डेटा को और सेकेंडरी स्टोरेज में इसको काउंट करते हैं, बेसिकली अकेला एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर लगता है, यानी सीपीयू बॉक्स के अंदर लगता है, बाकी जितने भी स्टोरेज डिवाइस है सभी को हम हटा करके रिमूव करके रख सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम हटा करके कंप्यूटर से अलग नहीं रख सकते, इसके बिना हमारा कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो रह गया रैम रह गया, तो रैम हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, प्राइमरी मेमोरी, तो आंसर हमारा क्या होता है, रैम हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा इनमें आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जो डिस्प्ले करता है या रिजल्ट हमें देता है। पहला ऑप्शन है ट्रैक बॉल, ये एक माउस की फॉर्मेशन होती है, माउस की तरह होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन है आपका स्कैनर, तो स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, तो ये भी नहीं होगा। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए काम यूज किया जाता है और पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है प्लॉटर, जो कि प्रिंट करने के काम आता है, तो प्रिंट करने के काम आता है, ये क्या हमारा होगा आंसर हो गया, आउटपुट डिवाइस के रूप में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके क्वेश्चन आता है आपका टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, जो ठीक है क्वेश्चन उसको हम ठीक कर देंगे, जो गलत है उसको हम गलत कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोरेज यूनिट इज कंप्रेस्ड ऑफ टू टाइप, जो स्टोरेज यूनिट है वो दो तरीके से कंप्रेस की जाती है, टाइप ऑफ स्टोरेज हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क तो सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट है, बट इसने कहा स्टोरेज यूनिट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राइमरी स्टोरेज होता है और सेकेंडरी स्टोरेज होता है। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, जो रैम और रोम होते हैं, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी आदि आदि इसमें होते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस, फिर प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस अभी हमने किया था, यहाँ पर ये प्लॉटर सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आउटपुट डिवाइस, तो ये बात हमारी ठीक होगी, क्वेश्चन ये पॉइंट हमारा ठीक हो गया। थर्ड पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ब्रेन का कैसे हो गया, सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन, कौन सा होता है, सीपीयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो इसका पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होता है, बट कंप्यूटर के ब्रेन की बात जब आती है, दिमाग की बात जब आती है, तो वो कौन होता है, सीपीयू होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ पार्ट है इसका, द स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा इंस्ट्रक्शंस, जो स्टोरेज यूनिट जो है वो क्या करती है, कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है स्पेस, यानी कि स्पेस देती है जहां पर डेटा को स्टोर किया जा सके, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जा सके, बिल्कुल ठीक बात है भाई, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा इसका भी, ये पॉइंट हमारा ठीक हो जाएगा। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस, भाई सीधी सी बात है, जो डेटा इंस्ट्रक्शंस जो है इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही जाता है, यानी कीबोर्ड और माउस के माध्यम से जाता है, तो कीबोर्ड क्या है हमारा, तो कीबोर्ड और जो माउस है वो इनपुट डिवाइस होते हैं, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है, थर्ड क्वेश्चन जो इसका है, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल वर्ड गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं उनकी सहायता से हमने क्या करना है, फिल करना है। पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, रैम, सेकेंडरी, माउस और प्लॉटर, देखते हैं कौन सा कहां पर आता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डैश
डैश आर आइडल आउटपुट डिवाइस फॉर आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स सिटी प्लानर्स एक्सेट्रा। तो इनमें से जो आउटपुट डिवाइस है जो ये यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन यूज करता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर और सिटी प्लानर। तो इनमें आउटपुट डिवाइस कौन सा है, एक तो डॉट मैट्रिक्स है और एक प्लॉटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है छोटा, जिसमें जो एक करेक्टर को एक ही टाइम में प्रिंट करता है। तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं, तो कौन होगा, प्लॉटर होगा, जो भी हमने अभी बताया था प्लॉटर को यूज किया जाता है। तो ये आ गया प्लॉटर, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लॉटर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रिंटर्स आर करेक्टर प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम। अभी मैंने बताया था जो ऐसे प्रिंटर जो एक टाइम में एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं और बड़ा शोर शराबा भी करते हैं, तो ये कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक टाइम में एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, डैश स्टोरेज इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज। अब यहाँ पर जो स्टोरेज डिवाइस के नाम दे रखे हैं भाई, एक तो रैम है और एक सेकेंडरी है। तो रैम क्या होती है, वॉलेटरी मेमोरी होती है, और क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो इसको तो हम कहेंगे नहीं, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पर है, डैश स्टोरेज प्रोग्राम आर डेटा टेम्परेरली दैट आर बीइंग एक्सेस बाय द यूजर। भाई जो यहां पर आएगा यानी स्टोरेज डिवाइस आएगा, वो क्या करता है, प्रोग्राम को टेम्परेरली स्टोर करता है। वो कौन से होते हैं, अभी मैं बताया था रैम होते हैं। वो क्या होते हैं, रैम जो होती है डेटा को टेम्परेरली स्टोर करते हैं। लास्ट रह गया, तो लास्ट में जो हमारा उधर ऑप्शन बच गया वो आ सकता है। तो डैश इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो कौन सा वो होता है, तो ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, माउस। तो क्या देगा हमारे पास, माउस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसको ध्यान से करेंगे अपनी कॉपी बुक में, और जैसे आपकी हो जाए इसको आप फोटो क्लिक करके मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप से या कार्यालय से वो आपके पास भेज सकते हैं। एक काम और आपने करना है, जो क्वेश्चन आंसर है इसको एज ए टेक्स्ट आपको भेज दिया जाएगा अभी, और आपने अपनी नोटबुक पे करना है इनको, और साथ में अपनी नोटबुक में आपने क्या करना है कि छोटा सा चार्ट बनाना है कंप्यूटर सिस्टम का। इसमें इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक स्कैनर माइक्रोफोन, और यदि एक आध आपको याद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू ही होता है एक प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के अंदर, और कोई नहीं होता। स्टोरेज डिवाइस का आपने ऐड करना है हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क सीडी रोम डीवीडी फ्लैश ड्राइव। यदि एक आध और याद है आपको, ध्यान आता है चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसको भी आप ऐड कर देंगे। और यहाँ पर है आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर स्पीकर, इनके अलावा कोई और आउटपुट डिवाइस है तो वो भी आप उसमें ऐड कर देंगे। तो ये चार्ट आपने अपने कंप्यूटर की फेयर नोटबुक में आपने बनाना है। ठीक है बेटा, अभी इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से कीजिए, धन्यवाद।